नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको 10 करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 4 मार्च 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 जो रोगी हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है। चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दो देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? तो चार ऑप्शन है, DRDO जो है आपका सही हो जाएगा। DRDO जो है उसने चार उत्पाद जो है वो तैयार किए हैं, जिसमें से हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, N99 मास्क और बॉडी सूट जो है, ये चार चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो DRDO जो है आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो लक्ष्य है वो लगभग 15,000 सूट बनाने की जो है वो एक लक्ष्य के तौर पर जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न तीन कह रहा है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि जो है वो में कितनी राशि जो है वो मदद में दी जाएगी? तो चार ऑप्शन है, 500 रुपये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है उसके तहत जो जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले गए थे उसमें जो है धनराशि दी जाएगी, और ये जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। तो योजना से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये 500 रुपये ये 3 महीने तक दिए जाएंगे और अकाउंट नंबर जो है उसके आधार पर जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लास्ट जो अकाउंट नंबर का जो डिजिट है उसके आधार पर 3 अप्रैल, 4 अप्रैल अलग अलग तिथि जो है वो निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न चार देख लेते हैं कि किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति जो है वो दी है? तो चार ऑप्शन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें से भारत को 7,600 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल बेहतर स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, लेबोरेटरी जाँच, ये सभी के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पाँच की तरफ। प्रश्न है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी? तो चार ऑप्शन है, ईरान जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं छठा, कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई जो है वो तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं उसके आधार पर जांच जो है वो कर सकते हैं? तो काफ़ी बढ़िया जो है कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इन्होंने एक डिजिटल मंच जो है वो तैयार किया जिसमें लोग घर बैठ के ही अपने जो लक्षण हैं उनकी जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो राज्य सरकार ने है उसने अपोलो 24x7 के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पहल भी शुरू की है, जो कि एक लिंक जो है वो प्रोवाइड कराई गई है, उस पर जो है वो उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसदी रह जाएगी? तो चार ऑप्शन है, 4% आपका जो है वो सही हो जाएगा। 2020 में जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है उसमें कहा गया है कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि GDP जो है उसकी वृद्धि अगले वित्त वर्ष में 6.2% तक मजबूत होने से पहले वित्त वर्ष 2021 में घटकर 4% जो है वो रह जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न आठ की तरफ, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल GST राजस्व यानी कि ग्रॉस GST रेवेन्यू में कितने प्रतिशत की कमी जो है वो दर्ज की गई है? तो 8% आपका जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नौ की तरफ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कोविड-19 की कितने अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? तो चार ऑप्शन है, 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। 3 अर्ध उप जो उप प्रजातियाँ हैं वो भारत में जो है वो प्रसारित हो रही हैं।
बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका लास्ट कि किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नव रत्नालु पेदल तरकी इलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन जो है वो किया है। ये जो लिखा हुआ है इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? सभी गरीबों के लिए घर। तो उत्तर कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य, ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारत के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है वेणुगोपाल राव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। इसके अलावा बात कर लेते हैं पिछली करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो एस मुखर्जी जो है वो पिछली करंट अफेयर का सही उत्तर जो है वो होगा। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, तो कुछ ही लोगों ने जो है वो वहाँ पर उत्तर जो है सही दिया था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर जो है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।